हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको एक चाइनीज ड्रामा एक्सप्लेन करूंगी जिसका नाम है अ लिटिल थिंग कॉल्ड फर्स्ट लव। इस ड्रामा की स्टोरी एक सिंपल लड़की की है जिसका नाम श्याम्यम्यू है, जिसको एक लड़के से पहली नज़र में प्यार हो जाता है। और वो लड़का उसके स्कूल का सबसे पॉपुलर और सबसे इंटेलिजेंट लड़का था। और उस लड़के का नाम यूनियन है, और उसका दोस्त जिसका नाम लिन खाएतो है, वो भी म्याऊ म्याऊ को पसंद करता है। पर अब देखना ये है कि क्या यूनियन भी म्याऊ म्याऊ को पसंद करेगा या वो लिन खाएतो को पसंद करेगी। तो ये पता करने के लिए आपको वीडियो देखनी पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ड्रामा के स्टार्ट में हम म्याऊ म्याऊ को देखते हैं जो अपनी मॉम की सामान रखने में हेल्प कर रही थी, क्योंकि वो नए घर में शिफ्ट हुए थे। पर उसकी बहन कुछ काम नहीं करती और तब म्याऊ म्याऊ उससे लड़ती है, और तब उसके हाथ से एक फ्रूट छूटकर नीचे यूनियन के सिर पर गिर जाता है। और जब वो यूनियन को देखती है तब उसे उससे प्यार हो जाता है। अगले दिन म्याऊ म्याऊ फिर यूनियन को बुक स्टोर में देखती है और बारिश भी होने लगती है। तब म्याऊ म्याऊ यूनियन से उसका अम्ब्रेला मांगती है और यूनियन उसे अम्ब्रेला देकर वहां से चला जाता है। अगले दिन म्याऊ म्याऊ का स्कूल में पहला दिन था। जब वो स्कूल जाती है तब टीचर उसे सबसे इंट्रोड्यूस करवाती है और उसे लिन कायतो के साथ वाली सीट पर बिठाती है। और फिर म्याऊ म्याऊ यूनियन को स्कूल में देखती है। अगले दिन उसे पता चलता है कि यूनियन उसके घर के पास ही रहता है और वो स्कूल जाने से पहले उसका इंतजार करती है। और जब वो स्कूल पहुंचती है तब यूनियन को हशीन से बात करते हुए देखती है और उसे लगता है कि यूनियन हशीन को पसंद करता है। और जब वो क्लास में जाती है तब लिन कायतो भी उसे बुली करता है और उससे अपना होमवर्क करवाता है। और अगले दिन म्याऊ म्याऊ लाइट हाउस जाती है, तब बारिश होने लगती है और वो भीग जाती है। तभी वहां पर यूनियन भी आता है और वो उसकी पेपर सॉल्व करने में हेल्प करता है। अगले दिन हशीन लिन कायतो के लिए लंच बॉक्स लेकर जाती है और कायतो उस बॉक्स को म्याऊ म्याऊ को दे देता है। पर हशीन को पता चलता है कि कायतो का होमवर्क म्याऊ म्याऊ करती है और वो उसे टीचर के पास ले जाने लगती है। और तब यूनियन म्याऊ म्याऊ की हेल्प करता है। अगले दिन म्याऊ म्याऊ ग्रेजुएशन एग्जाम देने जाती है और जब वो क्लास में जाती है तब हशीन देखती है कि उसका पेंसिल बॉक्स बस में ही रह गया था। तब म्याऊ म्याऊ उसकी हेल्प करती है। और जब वो वापस जाते हैं तब हशीन उसे बताती है कि यूनियन उसका कजन है और स्कूल में सब जानते हैं कि वो दोनों कजन हैं। और म्याऊ म्याऊ हशीन को अपने घर ले जाती है और वो दोनों फ्रेंड्स बन गई थी। तब हशीन उसे मैथ की ट्यूशन देती है पर म्याऊ म्याऊ को कुछ समझ में नहीं आता। और वो हशीन से कहती है कि उससे यूनियन ने मैथ का पेपर सॉल्व करवाया था और हशीन भी उसे वैसे ही समझाए। तब हशीन म्याऊ म्याऊ से कहती है कि वो यूनियन से उसे मैथ की ट्यूशन देने के लिए पूछे, पर म्याऊ म्याऊ उसे मना करती है। और जब उसके एग्जाम का रिजल्ट आता है तब वो एग्जाम में पास नहीं होती। फिर हशीन उसे यूनियन के पास लेकर जाती है और यूनियन से उसे मैथ पढ़ाने के लिए कहती है। और यूनियन म्याऊ म्याऊ से कहता है कि वो उससे स्कूल के बाद लाइट हाउस में मिलेगा और वो उसे ट्यूशन देने के लिए मान जाता है। फिर स्कूल के बाद म्याऊ म्याऊ लाइट हाउस में जाती है और यूनियन उसे मैथ की ट्यूशन देता है। और जब वो घर जाती है तब वो देखती है कि उसके डैड वापस आ गए थे। और अगले दिन वो अपने डैड और मॉम को बताती है कि वो फैशन डिजाइनर बनना चाहती है, जिसके लिए हशीन उसे अपने आर्ट टीचर के घर लेकर जाती है जो यूनियन के डैड भी थे। उनकी एक आर्ट एकेडमी थी और म्याऊ म्याऊ वहाँ एडमिशन ले लेती है। और बाद में उसे पता चलता है कि यूनियन भी वहाँ पढ़ता है। और जब वो क्लास शुरू करती है तब यूनियन का दोस्त उसके दांतों का मजाक उड़ाता है। और अगले दिन वो डेंटिस्ट के पास जाती है और अपने दांतों में ब्रेसेस लगवाती है। और फिर वो यूनियन के पास मैथ की क्लास में जाती है। उसे अब मैथ की तैयारी हो गई थी और अब वो एग्जाम देने के लिए तैयार थी। और फिर वो यूनियन से उसका फोन नंबर मांगती है और यूनियन उसे अपना फोन नंबर दे देता है। और फिर हम देखते हैं कि म्याऊ म्याऊ एग्जाम में पास हो गई थी और वो यूनियन को भी ये गुड न्यूज़ बताती है। इस वीडियो में इतना ही गाइज़।
वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो। अन्योंग एवरीवन।